हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? चलिए नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ कैपिटल बजटिंग। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर ऑल्सो एज फार एज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस विल बी कंसर्न। ये काफ़ी टफ रहने वाला है और इसीलिए मैंने काफ़ी लेट में ये पढ़ाया है, ठीक है? क्योंकि काफ़ी लोगों का मैथ्स में हालत ख़राब होती है। तो स्टार्ट मैं थेरी से ही करूँगा कि कैपिटल बजटिंग क्या है, इसमें क्या क्या आता है, क्या प्रोसेस है, कौन से टाइप के डिसीजन लिए जाते हैं, और फिर धीरे धीरे हम टूल्स एंड टेक्निक्स पे आएंगे ऑफ प्रोजेक्ट इवेल्युएशन। इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स कैसे इवेल्युएट होते हैं, कौन से टेक्निक्स होते हैं, और वो सब। फिर उसमें जब मैथ्स का एप्लीकेशन आएगा तब मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी आपको पढ़ाने वाला हूँ। मॉड्यूल में टाइम वैल्यू ऑफ मनी पहले दिया है, मैं आपको जब जब जहाँ जहाँ नीड आएगी तब तब वहाँ पर पूरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी बताऊंगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2, दैट इज कैपिटल बजटिंग। हम पढ़ चुके हैं कि इसका लेना देना इन्वेस्टमेंट डिसीजन से। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में सबसे बड़ा डिसीजन क्या है? कैपिटल बजटेशन। उसी का अदर नेम भी कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर आल्सो नोन एज कैपिटल बजटिंग, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशंस, ठीक है? सेम मैंने आपको बताया, डेफिनेशंस पूरी तो याद नहीं होने वाली आपको, पंचवर्ड से कोरिलेट करके आपको एग्जाम के लिए सिर्फ पढ़ना है, ठीक है? चलिए, कैपिटल बजटिंग क्या है? बेसिकली हम इसके बारे में बेसिक पढ़ चुके हैं कि जब भी आप फिक्स्ड एसेट्स से रिलेटेड लॉन्ग टर्म एसेट्स का डिसीजन लेते हो, बराबर। लॉन्ग टर्म एसेट्स क्या होते हैं? फिक्स्ड एसेट्स। तो उनसे रिलेटेड जब आप डिसीजन लेते हो, उनको खरीदना, उनको रिप्लेस करना, या टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना, एक्सपांशन करना, डाइवर्सिफाई करना, ये जो बड़े डिसीजन होते हैं जो आप काफी सालों में लॉन्ग टर्म में एक आध बार लेते हो और इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होता है, वो टाइप के डिसीजन क्या होते हैं? कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स टी हॉर्न ग्रीन, कैपिटल बजटिंग इज अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर मेकिंग एंड फिनेंसिंग प्रपोज्ड कैपिटल आउटले, बराबर। एसेट क्या लेना है, कौन सा प्रोजेक्ट लेना है, और सब फिनेंसिंग कैसे करना है वो भी आपको देखना है। बट हम पढ़ चुके हैं कि फिनेंसिंग वाला पार्ट अब कहाँ जाता है? कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस में वो काउंट किया जाता है, फिनेंसिंग डिसीजन में आता है। धीरे धीरे मतलब ये फील्ड डेवलप होते जा रही है। पहले सिर्फ इन्वेस्टमेंट डिसीजन हुआ करते थे, उसी में सब चीजें हो जाती थी। फिर उन्होंने स्पेशलाइज किया कि चलो फिनेंसिंग वाले अलग ही कर लो, तो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस हो जाते हैं। तो ये बहुत पुराने डेफिनेशंस हैं, तो इसमें थोड़ा वाइड स्कोप रखा गया था पहले, पर अब धीरे धीरे हर चीज़ को स्पेशलाइज किया जा रहा है। पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन थे, फिर फिनेंसिंग, फिर डिविडेंड, ऐसे कर करके उन्होंने स्पेशलाइज स्ट्रीम्स बना ली, ठीक है? तो आज कैपिटल बजटिंग इज ऑल अबाउट टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस विद रिगार्ड टू फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है? चलिए, तो चार्ल्स वालों का क्या है? लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर मेकिंग एंड फिनेंसिंग प्रपोज्ड कैपिटल आउटलेस, इसका मतलब उनके हिसाब से है कैपिटल बजटिंग। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पर्सन है जी सी फिलिपोटिस, फिलिपोटोस, ठीक है? कैपिटल बजटिंग इज कंसर्न विद एलोकेशन ऑफ फर्म्स कैपिटल, फर्म्स रिसोर्सेस, ठीक है? एलोकेशन मतलब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, पैसा लिमिटेड है तो आप कहाँ अलॉट करोगे, कौन से प्रोजेक्ट को हाँ बोलोगे, कौन से प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करोगे। तो बेसिकली आपके पास एक फिक्स सम है, आप उसको कैसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स में एलोकेट करते हो, दैट इज कैपिटल बजटिंग फॉर जी सी फिलिप पेटोस, ठीक है? फिलिप पेटोस विद विद एलोकेशन ऑफ फर्म्स सोर्स फाइनेंशियल, सॉरी सोर्स नहीं हो, स्कार्स कर दो, स्कार्स जो शॉर्टेज होता है, स्कार्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज अमंग द अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज। तो जो भी अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज है उसमें से आप स्कार्स रिसोर्सेज कैसे यूटिलाइज करोगे, कौन से प्रोजेक्ट को हाँ बोलोगे, कौन से प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दोगे, यही कैपिटल बजटिंग होता है। द कंसिडरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन्वॉल्व कंपेरिजन, ठीक है? क्योंकि एक ही प्रोजेक्ट नहीं होता, और जब एक ही प्रोजेक्ट है तो फिर कंपेरिजन नहीं होता। कैपिटल बजटिंग इज मेनली अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और डिसीजन क्या है कि कोई प्रोजेक्ट को लेना या नहीं लेना, और कंपेयर करना आउट ऑफ ऑल द अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज, और दो प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करके उसमें से कौन सा बेटर प्रपोजल है ये पता करना, और उसी में पैसा इन्वेस्ट करना। इन्वॉल्व कंपेरिजन ऑफ द एक्सपेक्टेड फ्यूचर स्ट्रीम्स ऑफ अर्निंग्स फ्रॉम अ प्रोजेक्ट विद इमीजिएट एंड सब्सिक्वेंट स्ट्रीम्स ऑफ अर्निंग फ्रॉम अ प्रोजेक्ट विद द इमीजिएट एंड सब्सिक्वेंट स्ट्रीम ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है? तो रेवेन्यू यानी अर्निंग्स एंड एक्सपेंडिचर को आप कंपेयर करते हो, मतलब प्रॉफिट्स कितने हैं वो आप देखते हो, प्रॉफिट को फिर देखते हो कि पूरा इन्वेस्टमेंट रिकवर होगा नहीं होगा, कितना समय लगेगा, ये सब आप इस तरह से प्रोजेक्ट इवेल्युएट करते हो। तो ये मोर और लेस बहुत डिटेल डेफिनेशन है, ठीक है? किसकी है? फिलिप पेटोस, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। फिर है रिचर्ड एंड ग्रीन लॉ, कैपिटल बजटिंग इज एक्वायरिंग इनपुट्स विथ लॉन्ग टर्म रिटर्न, ठीक है?
इनपुट्स आप एक्वायर कर रहे हो, इनपुट्स सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं होता, इनपुट्स फिक्स एसेट्स भी होता है, मतलब रेवेन्यू इनपुट्स भी होते हैं जो रॉ मटेरियल वगैरह होते हैं या जो भी है डब्ल्यू आई पी वगैरह आता है, और एक कैपिटल इनपुट्स भी होते हैं मतलब फिक्स एसेट्स, ठीक है। तो एक्वायरिंग इनपुट्स विथ लॉन्ग टर्म रिटर्न, ठीक है, जिनसे आप लॉन्ग टर्म में कमाते हो, इमीडिएटली कुछ नहीं मिलता क्योंकि उनसे सेल जनरेट होती है, उसको आप बेचते नहीं हो, यूज करते हो, ठीक है, यूज करते हो, इसीलिए उसका जो रिटर्न है वो लॉन्ग टर्म में आपको मिलता है थ्रू सेल्स एंड कैश फ्लोस। तो ये है रिचर्ड एंड ग्रीन लॉ। फिर फोर्थ है लाइरिच, ठीक है। कैपिटल बजटिंग कंसिस्ट ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट ऑफ अवेलेबल कैपिटल फॉर द पर्पस ऑफ मैक्सिमाइजिंग द लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंसर्न, ठीक है। गोल आपका लॉन्ग टर्म है कि लॉन्ग टर्म में कैसे प्रॉफिटेबिलिटी को हम मैक्सिमाइज करें, तो कैसे प्रोजेक्ट्स में आज हम पैसा इन्वेस्ट करें तो हमारा लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, ठीक है। गलत प्रोजेक्ट्स में पैसा डाल दोगे तो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज होगा, आज जो आप डिसीजन ले रहे हो उसी से तो फ्यूचर का प्रॉफिटेबिलिटी डिसाइड होता है कि सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्ग टर्म होते हैं। आ रहा है समझ में? तो आज के आप डिसीजन कैसे लोगे ताकि आप फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में आप अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करो, ठीक है। तो ऐसे चार अलग अलग लोगों का डेफिनेशन है, आपको पंच वर्ड्स हाईलाइट कर लेने हैं। बोलो क्या क्या आएगा? प्रपोज्ड कैपिटल आउटले आप कनेक्ट कर लो हॉर्न ग्रीन से, चार्ल्स हॉर्न ग्रीन। फिर ये जो इतना बड़ा डेफिनेशन है वो उसका जो ये है इमीडिएट एंड सब्सिक्वेंट रिटर्न्स, ये वाले जो वर्डिंग्स हैं ये आप फिली पेटॉस को ये कर लो मार्क। फिर इनपुट्स वर्ड एक ही बार आया है रिचर्ड एंड ग्रीन लॉ, और मैक्सिमाइजिंग द लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी का आया है लाइरिच, ठीक है। ऐसे पंच वर्ड्स को आप एग्जाम के लिए ये सब याद रखो क्योंकि एग्जाम में इतना प्रेशर होता है आपको कुछ भी याद नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ। अभी लोग जोश जोश में ये सब बोलते हैं कि सर ये याद नहीं हो रहा, तो ये सब होगा कि पूरे सिलेबस में अगर आप देखोगे, और तो नाम सबसे भयंकर एसएम में आने वाले, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में तो भयंकर नाम है, भयंकर डेफिनेशंस हैं। तो बिलीव मी प्रैक्टिकली मैं अगर बात करूं तो ये सब इतना आप याद नहीं रख पाओगे, और इसका वेटेज भी मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम एक, या मैक्सिमम वर्स्ट केस सिनेरियो दो क्वेश्चन आ सकते हैं। अब एक या दो क्वेश्चन के लिए इतना आप हेडेक लेना चाहते हो कि नहीं, ये आपका पर्सनल डिसीजन है, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ बिकॉज लिस्ट बहुत लंबी है। ऐसा समझ लो कम से कम 100 डेफिनेशंस होंगे, 100 नाम होंगे जो आप बिल्कुल भी याद नहीं कर पाओगे, इतने सारे एक एक वर्ड के चार चार पांच पांच डेफिनेशन है कि आपसे वो याद नहीं होगा। आप मीनिंग डेफिनेशन याद कर सकते हो, ठीक है, लोगों के नाम याद नहीं कर पाओगे। अगर इंसान के नाम पे एमसीक्यू आ जाए तो फिर बेटर है आप उसको छोड़ दो, 1 माह के लिए वक्त जाया ना करो, अपने आप को टॉर्चर मत करो क्योंकि एक लिमिटेड याददाश्त है आपकी, इतने सारे ऑलरेडी सब्जेक्ट्स हैं, उसमें वन ऑफ द सब्जेक्ट एफएसएम है, उसमें भी 100 से ज्यादा डेफिनेशन और इतने सारे नाम आप याद करोगे तो आप अपने आप को सजा दे रहे हो, आप सजा दे रहे हो। एक्चुअली इस पे क्वेश्चन आने नहीं चाहिए, बट हम आइडियल सिचुएशंस में रहते नहीं है तो इस पे क्वेश्चन एक्चुअली आना ही नहीं चाहिए, ये रटने वाली चीजों पे क्वेश्चन आने नहीं चाहिए, पर आते हैं, कुछ कर नहीं सकते, पर एक या मैक्सिमम दो ही आते हैं तो उतने आप छोड़ सकते हो, फेल नहीं हो जाओगे इतना आप ये करने से, ठीक है। तो जो एकदम एक्सट्रीम लोग हैं जिनको करना ही है, ऐसे लोग मुझे मिलते ही हैं और इसलिए उनके लिए मैं ये सब करवा रहा हूं, बट आई डोंट रिकमेंड कि आप इतने सारे नाम और ये सब याद रखो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंट्रोडक्शन यानी एज अ कंसेप्ट, एज अ प्रोसेस, कैपिटल बजटिंग में क्या है। द वर्ड कैपिटल रेफर्स टू द टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इक्विटी से हो या डेट से हो, जो भी पूरा बिजनेस में पैसा लगता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल का मतलब है टोटल इन्वेस्टमेंट, आप कहीं से भी फिनांस करो, कहीं से भी फिनांस करो, लग तो बिजनेस में ही रहा है, एसेट्स में ही लग रहा है, तो सोर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी पैसा आप बिजनेस में लगा रहे हो दैट इज कैपिटल, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी इन द फर्म इन मनी दैट इज टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स, तो सारे एसेट्स में जो आप पैसा लगा रहे हो उसको यहां पे कैपिटल बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग। तो आपको लगता होगा कैपिटल मतलब ओनर्स का पैसा कहां लगाना है, ऐसा नहीं है, पूरा पैसा जो बिजनेस में आ रहा है वो एसेट्स में कहां लगाना है, कौन से एसेट में लगाना है, क्योंकि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, मल्टीपल ऑल्टरनेटिव या मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इन हैंड होते हैं जिसमें से आपको सिलेक्ट करना होता है। हर प्रोजेक्ट में आप पैसे नहीं डाल सकते क्योंकि हर प्रोजेक्ट उतना रिटर्न नहीं देता है, तो जो भी मैक्सिमम रिटर्न देगा उनमें आप पैसे लगाओगे, ठीक है। वेयर एज बजटिंग एज डिफाइंड बाय रोलैंड एंड विलियम इज द आर्ट ऑफ बिल्डिंग बजट्स, ठीक है, आर्ट ऑफ बिल्डिंग बजट्स, बजटिंग मतलब बजट्स बनाना, बजटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग मॉनिटरिंग इंप्लीमेंटिंग बजट्स, बजट्स आर ब्लू प्रिंट ऑफ प्लान एंड एक्शन एक्सप्रेस इन द क्वांटिटीज एंड मैनर्स, यानी मनी लिख दो वहां पे टाइपो एरर होगा,
क्वांटिटी एंड मनी, वैल्यू में भी उसको एक्सप्रेस किया जाता है। तो बजटिंग मतलब क्या है कि एक बजट बनाना, फ्यूचर की फोकास्टिंग करना, अपना एक विजन मिशन बनाना, प्लान और एक्शन, जिसको आप नंबर्स में भी ट्रांसलेट करते हो। तो अगर आप मार्केट लीडर बनना चाहते हो, अगर आप जो भी बनना चाहते हो, उसको फाइनेंशियल टर्म्स में भी जो टारगेट बनाना पड़ेगा ना, अपने आप थोड़ी होगा, इट हैज टू बी सपोर्टेड बाय द नंबर्स, टर्नओवर, एसेट्स, व्हाटएवर। तो वो बजट से हासिल होता है। बजट में आप स्टेप बाय स्टेप हर एक साल का, एक एक साल एट ए टाइम आप सोचते हो। विजन तो देखो 15-20 साल की होती है, मिशन 5-6 साल का होगा, बट आप एट ए टाइम तो एक साल ही कर सकते हो और अचीव कर सकते हो। तो वो होता है बजटिंग। इसलिए इसका प्रैक्टिकल रेलेवेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि यार आप कितना भी सपने देख लो, कितना भी उड़ लो, एट ए टाइम तो एक साल का ही आप कर पाओगे। तो बजट इज ऑल अबाउट द नेक्स्ट ईयर, कमिंग ईयर में आप क्या करने वाले हो, विच इज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ मिशन एंड विजन, जो एक एक, एक सीढ़ी है। जैसे 50 सीढ़ी आपको चढ़ना है, डायरेक्ट 50 पे थोड़ी आप जंप मारोगे, आप तो एक एक सीढ़ी पे ही नजर रख के आप जाओगे ना। तो वो है, हर सीढ़ी एक बजट है और जो एंड है वो है विजन। तो इस तरह से बजट का इंपॉर्टेंस है। सही स्टेप लेते रहे तो सही डायरेक्शन में जाके आप विजन हासिल कर लोगे। पर एक भी सीढ़ी गलत चढ़ी या एक भी सीढ़ी में आप फिसल गए तो फिर आप विजन तक नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। तो ब्लूप्रिंट ऑफ प्लान एंड एक्शन एक्सप्रेस इन क्वांटिटीज एंड वैल्यू एंड मनी। एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल बजटिंग इंक्लूड्स परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ऑब्वियसली बात है, सबसे बेसिक है, परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स सच एज लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल एक्सेट्रा। टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों आते हैं, टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों आते हैं, मूवेबल इमूवेबल दोनों आते हैं, ठीक है। जो भी एसेट्स यूज करने के लिए आप ले रहे हो वो होते हैं फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। द एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू एडिशन, एक्सपांशन, इंप्रूवमेंट, ऑल्टरेशन ऑफ द फिक्स्ड एसेट, ठीक है, रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट ही है। खरीदना या खरीदने के बाद उसमें कुछ एडिशन करना, कुछ उसमें इंप्रूवमेंट्स करना, क्वालिटेटिवली, टेक्नोलॉजिकली आप उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हो ताकि उसकी एफिशिएंसी बढ़े। तो बहुत सारे चेंजेस आप करते रहते हो। फिर है रिप्लेसमेंट, क्योंकि उनका एक फिक्स लाइफ होता है। लैंड एक्सेप्शन है, लैंड का लाइफ इनफाइनाइट होता है। अपार्ट फ्रॉम लैंड लगभग बाकी सब एसेट्स का लाइफ फाइनाइट होता है, लिमिटेड होता है, जिसके बाद वो यूजलेस हो जाता है और आपको उसको रिप्लेस करना होता है। तो रिप्लेसमेंट एक लेवल के बाद, एक टाइम के बाद कंपल्शन हो जाता है कि अगर उसकी लाइफ ही खत्म हो गई है तो इट्स नॉट अ डिसीजन, इट्स अ कंपल्शन। पर अगर आप वॉलेंट्रीली उसको रिप्लेस करना चाहते हो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, कि जैसे जैसे एसेट पुराना हो जाता है, या आपका भी एक्सपीरियंस हो जाता होगा, मोबाइल फोन हो, गाड़ी हो, कोई भी आप डे टू डे आप जो यूज करते हो एसेट, उसका आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि धीरे धीरे एफिशिएंसी कम हो जाती है और कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस बढ़ते जाता है। तो इसलिए आप भी मोबाइल, अगर 10 साल मोबाइल यूज किया जा सकता है, आप 10 साल यूज करते हो क्या? नहीं करते हो। 2-3 साल में आप रिप्लेस कर ही देते हो, नया फोन ले ही देते हो बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ऐसे हर एसेट में कुछ ना कुछ पेक्यूलैरिटी होती है जिसकी वजह से आप उसको रिप्लेस कर ही देते हो मोस्ट ऑफ द टाइम। यस, टेक्नोलॉजी होता है बट एफिशिएंसी या और भी होता है बहुत सारी चीजों की वजह से, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ने की वजह से भी काफी बार आप उसको रिप्लेस कर लेते हो। या कॉम्पिटिशन की वजह से भी होता है कि कॉम्पिटिटर ने अगर नया एसेट लगा दिया है, जो नया फीचर हो, नया कुछ हो, तो आपको भी उसको कॉपी करके आपको वो भी करना पड़ता है। तो ये काफी जगह होता है सॉफ्टवेयर में, इसमें उसमें, काफी एसेट्स में ऐसे होता है कि बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिटर ऑल्सो यू हैव टू अपग्रेड योर एसेट। भले आपका काम सही चल रहा होगा बट कॉम्पिटिशन के चक्कर में आपको चीजें अपग्रेड करनी पड़ती है, ठीक है। तो बहुत अलग अलग रीजन से आपको अलग अलग समय पे रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। कुछ वॉलेंट्री होता है, कुछ आउट ऑफ कंपल्शन भी होता है। चलिए, फिर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है। रिसर्च भी आप देखोगे हर कंपनी हर फील्ड में रिसर्च नहीं करती, इट्स अ वॉलेंट्री पार्ट। आपको देखना होता है कि आपके फील्ड में रिसर्च का कितना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज भी बन जाता है। तो अगर आप रिसर्च करते हो आप बाकियों से आगे रहते हो, खासकर टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेक्टर्स में, मोबाइल हो गया, लैपटॉप्स हो गया, सॉफ्टवेयर्स हो गए, वेबसाइट्स और काफ़ी ये डेवलपमेंट जो चीज़ें होती हैं, इवन साइंस, मेडिसिन सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल्स हैं, इन सब में रिसर्च प्लेज अ डोमिनेंट रोल। इवन नाउ इन एजुकेशन ऑल्सो रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है, नहीं तो आप वही वही चीज़ें पढ़ाते रहोगे। यू हैव टू अपग्रेड, आपको रिसर्च करना पड़ता है, पास्ट न्यूज़, कोई एक टॉपिक को एक्सटेंसिवली पढ़ना पड़ता है विद अमेंडमेंट्स, तो ये भी एक पार्ट ऑफ रिसर्च है। बट हम यहाँ पे एसेट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर आपको रिसर्च करना है, यू हैव टू सेट अप अ रिसर्च सेंटर। बड़े बड़े जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड ये हैं, TCS है, महिंद्रा सत्यम है, जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, इनके सबके खुद के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पूरे डिपार्टमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, अलग से इन्वेस्टमेंट कर रखा है, क्योंकि उनके फील्ड में
सबसे कोर एरिया रिसर्च का ही होता है। जितना अच्छा रिसर्च होगा उतने अच्छे सर्विसेज और प्रोडक्ट्स आप दे सकते हो, तो ये भी एक बहुत क्रूशल डिसीजन है। तो चार ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कैपिटल बजटिंग में मेजरली आते हैं। आगे बढ़ते हैं, कैपिटल बजटिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ कैपिटल एक्सपेंसेस, ठीक है, प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ कैपिटल एक्सपेंसेस एज अ टूल आपको इसको देखना है कि एक टूल है जिससे आप कैपिटल एक्सपेंसेस को कंट्रोल और प्लान करते हो। इन मॉडर्न टाइम्स द एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ कैपिटल रिसोर्सेज इज मोस्ट क्रूशियल, ठीक है, रेवेन्यू रिसोर्स का तो होता ही है, बट एफिशिएंटली आपको कैपिटल का जो पैसा है, जो ये है लॉन्ग टर्म पैसा जो आप लेते हो डेट या इक्विटी से, ये भी प्रॉपरली एलोकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मोस्ट क्रूशियल फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दिस फंक्शन इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजेशंस डिसीजन टू इन्वेस्ट इट्स रिसोर्सेज इन लॉन्ग टर्म एसेट। तो अपन मैचिंग कंसेप्ट पढ़ ही चुके हैं कि लॉन्ग टर्म पैसा लॉन्ग टर्म एसेट्स में ही लगाया जाता है, लाइक लैंड, बिल्डिंग फैसिलिटी, इक्विपमेंट, व्हीकल्स एक्सेट्रा। अलग अलग फील्ड में अलग अलग नाम होंगे। ऑल दीज एसेट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू द फर्म बिकॉज इन जनरल ऑल द ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉफिट्स आर डिराइव बाय द यूज ऑफ इट्स कैपिटल इन इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स विच रिप्रेजेंट्स अ वेरी लार्ज कमिटमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज अमाउंट वाइज भी टाइम वाइज भी, एंड दीज फंड्स यूजुअली रिमेन इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यही इस वजह से ही ये क्रूशियल बन जाता है, क्योंकि एक तो अमाउंट बहुत बड़ा है, कोई भी कैपिटल एसेट आप ले लो नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंसेस से काफी महंगा होता है, और ऊपर से उसका जो यूज है वो लॉन्ग पीरियड तक होता है, उसका जो लाइफ है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक होता है, तो उसका इम्पैक्ट बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आपके तक रहता है। अगर आप उसको अच्छे से यूज करते हो तो पॉजिटिव भी होता है, लेकिन अगर आप गलत एसेट में फंस गए, गलत प्रोजेक्ट में फंस गए, तो वो लॉन्ग टर्म तक आपको परेशान भी करता है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सोच विचार करके डिसीजन ये लेना चाहिए, कंपेयर करके लेना चाहिए, बहुत अच्छे टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करके आपको डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि इसका इंपैक्ट काफी लंबे समय तक आप पे रहेगा। द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ अ फर्म हिंजेस ऑन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, जो भी आपका डेवलपमेंट है, जो भी डायरेक्शन है, वो आपके ये इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स में आप कैसा डिसाइड करते हो उसी से डिसाइड होगा, उसी के अराउंड आप मतलब हिंट करोगे। द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल एसेट्स एंड और डिसीजन टू एबेंडन प्रीवियसली एक्सेप्टेड अंडरटेकिंग, बराबर, काफी इन्वेस्टमेंट से आपको बाहर भी निकलना पड़ सकता है, अगर आपको समय रहते ही पता चल गया कि ये गलत प्रोजेक्ट है। अब गलत प्रोजेक्ट है, पता चल गया, तो आपके पास करेज होना चाहिए उस प्रोजेक्ट से बाहर निकलने का, उसको बंद करने का, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो आउट ऑफ कंपल्शन ही बंद करना पड़ेगा। टाटा नैनो एग्जाम्पल ले लो, टाटा नैनो डिक्लाइन हुआ हुआ हुआ, सही टाइम पे ही खुद ही बंद कर देना था। अरे भाई, डिमांड ही ऑलमोस्ट जीरो हो गई तब जाके आउट ऑफ कंपल्शन बंद ही करना पड़ा। तो ये आपकी स्मार्टनेस इससे दिखती है कि समय रहते खुद ही आप वॉलेंटरली कुछ प्रोजेक्ट्स बंद कर देते हो, या आउट ऑफ कंपल्शन डिमांड ही नहीं रहेगी, फिक्स कॉस्ट ज्यादा रहेगी, तो आउट ऑफ लॉसेस एंड आउट ऑफ आप अपना पूरा वेल्थ डिस्ट्रॉय कर सकते हो इससे, क्योंकि जो मल्टीपल बिजनेसेस में है उनके लिए बहुत क्रूशल होता है। टाटा ले लो, रिलायंस ले लो, मल्टीपल बिजनेस में, अब हर बिजनेस तो आपका गोल्डन नहीं निकलेगा ना, आप वेंचर करते रहोगे क्योंकि आप उस लेवल पे आ गए हो, आपका उससे रिसोर्सेज होते हैं कि आप अलग अलग फील्ड्स में जाते हो, लेकिन अगर कहीं लॉस का सामना फेस करना पड़ रहा है, अगर कस्टमर फीडबैक से पता चल रहा है कि इसमें अपना काम नहीं जमने वाला, तो सही समय रहते एबंडन होना, निकल जाना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो इन्वेस्टमेंट्स इरोड होते जाते हैं, इन्वेस्टमेंट लॉसेस के वजह से आपका इन्वेस्टमेंट भी लॉस में कन्वर्ट होते जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है, डिसीजन टू एबंडन प्रीवियसली एक्सेप्टेड अंडरटेकिंग्स विच टर्न्स आउट टू बी लेस अट्रैक्टिव टू द ऑर्गेनाइजेशन देन वॉज ओरिजिनली थॉट। किया इसलिए क्योंकि आपको लगा कि गोल्डन है और वैल्यू ऐड करेगा और मार्केट वैल्यू बढ़ा देगा और एसेट बेस बढ़ा देगा, तो आप तो हमेशा पॉजिटिवली सोच के डिसीजन लेते हो, बट थ्योरी प्रैक्टिकल में फर्क है। रियलिटी में अगर वो उस लेवल पे आपको वर्क नहीं कर रहा है, आपके एग्जिस्टिंग नेटवर्थ को ही घटा रहा है, आपकी वैल्यू और घटा रहा है, तो उसको उससे निकलना ही ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। एंड डाइवेस्टिंग, बराबर, बेचना, जैसे गवर्नमेंट भी अभी कर रही है ना, जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, खासकर अभी बजट में अनाउंस हुआ था LIC में डाइल्यूशन करेंगे, वो 7 to 8%, 9% वो अपना स्टेक डाइल्यूट करेंगे। अब मेजोरिटी अभी भी उनके पास ही है, बट वो डाइल्यूट कर रहे हैं, डाइवेस्ट कर रहे हैं और फंड्स रेज कर रहे हैं, तो ये वो एक अलग पर्सपेक्टिव हो गया। बट प्राइवेट सेक्टर में भी आप डाइवेस्ट कर सकते हो, कोई प्रोजेक्ट, कोई बिजनेस आपका नहीं चल रहा है तो आप बेच दो तो बेटर होगा, ठीक है। डाइवेस्टिंग द रिसोर्सेज टू द कॉन्टेम्पलेशन ऑफ अ न्यू आइडियाज एंड प्लानिंग, तो पैसा वहां से बाहर निकालो इससे पहले कि वो जीरो हो जाए, जितना है उतना निकाल लो और वो कोई और प्रोजेक्ट में आप लगाओ, वो ज्यादा मतलब समझदारी होगी।
फॉर न्यू प्रोजेक्ट सच एज इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ अ फर्म फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल बजटिंग और कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन. ठीक है, तो जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, जो भी नए बिजनेस के फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है, वो सब भी कैपिटल बजटिंग में आएंगे. कैपिटल बजटिंग रेफर्स टू लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर प्रपोज कैपिटल आउटलेस एंड देयर फिनेंसिंग. देखो, हर जगह एंड फिनेंसिंग जुड़ा हुआ रहेगा, बट अब आपको पता है कि वो फिनेंसिंग में आता है. दस इट इंक्लूड्स बोथ रेजिंग लॉन्ग टर्म फंड्स एज वेल एज देयर यूटिलाइजेशन. ये पुराना डेफिनेशन है. इट मे दस बी डिफाइंड एज द फर्म्स फॉर्मल प्रोसेस फॉर एक्विजिशन एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ द कैपिटल. ठीक है, एक ही चीज बार बार रिपीट होगी, कुछ नया बताने के लिए मेरे पास है नहीं. ठीक है, फॉर्मल प्रोसेस फॉर एक्वायरिंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल. ठीक है, कैसे लाना है और कैसे कहां लगाना है, दोनों इसमें आते हैं. टू बी मोर प्रिसाइज, कैपिटल बजटिंग डिसीजन मे बी डिफाइंड एज फर्म्स डिसीजन टू इन्वेस्ट इट्स करंट फंड मोर एफिशियंटली इन द लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज इन एंटिसिपेशन ऑफ द एक्सपेक्टेड फ्लो ऑफ फ्यूचर बेनिफिट ओवर अ सीरीज ऑफ ईयर. बराबर, लंबे समय तक आपके पास का पैसा आएगा. अगर कोई प्रोजेक्ट का लाइफ 10 साल है, तो 10 सालों तक आपके पास उसका प्रॉफिट या लॉस आएगा. इनफ्लो शुड बी मोर देन आउटफ्लो. इनकम जो है वो एक्सपेंसेस से ज्यादा होगी तो प्रॉफिट बचेगा, और उल्टा हुआ तो लॉस होगा. ठीक है, तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा. लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच अफेक्ट द फर्म्स ऑपरेशन बियॉन्ड वन ईयर. तो लॉन्ग टर्म का मतलब है जो वन ईयर के ऊपर है, करंट नॉन करंट. ऐसा आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी पढ़ते हो, करंट मतलब एक साल के अंदर, और जो भी वन ईयर के ऊपर का होता है वो नॉन करंट यानी कि लॉन्ग टर्म माना जाता है. कट ऑफ क्या है, वन ईयर. तो वन ईयर के अंदर है तो करंट एसेट्स बोलते हैं अपन, वन ईयर के ऊपर है तो फिक्स एसेट्स बोलते हैं. सेम, कैपिटल बजटिंग इज मेनी साइडेड एक्टिविटी. मतलब बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं इसके, सिर्फ एक एंगल से आप नहीं सोच सकते हो, बहुत सारी चीजें एक साथ आपको इवेल्युएट करनी पड़ सकती हैं. इट कंटेन्स सर्चिंग फॉर, अब देखो क्या क्या डायमेंशंस, क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं वो सब दिए हैं. इट कंटेन्स, नंबर वन, सर्चिंग फॉर न्यू एंड मोर प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल. जिनके पास पैसा है, जो कमा रहे हैं, जो कमाई जमा होते जा रही है, उनका ये बहुत बड़ा काम है. जैसे रिलायंस, फंड्स ही फंड्स हैं, इतने फंड्स आते हैं, इतने एग्जिस्टिंग बिजनेस में सरप्लसेस हैं, कि इनका ये हर वक्त काम होता है कि और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, और कौन से फील्ड्स हैं जिसमें हम पैसा लगा सकते हैं. तो ये सर्च करते रहना भी अपने आप में एक फुल टाइम काम है. ठीक है, तो सर्चिंग फॉर न्यू एंड मोर प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स, इन्वेस्टिगेटिंग इंजीनियरिंग एंड मार्केटिंग कंसिडरेशंस. ठीक है, अलग अलग डायमेंशंस कि कैसे आप इन्वेस्टिगेट करोगे, क्या इन्वेस्टिगेट करोगे, वाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म वाइबल है कि नहीं, प्रॉफिटेबल है कि नहीं, और बाकी और उसमें कॉम्पिटिशन क्या होगा. इंजीनियरिंग, कि उससे रिलेटेड जो इंजीनियरिंग का एस्पेक्ट है, फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी है, कोई फॉर्मूला है, कोई मैन्युफैक्चरिंग पैटर्न होगा, व्हाटएवर, जो भी बिजनेस से रिलेटेड है उसको इंजीनियरिंग बोल सकते हैं. एंड मार्केटिंग कंसर्न्स, आप उसको मार्केट कैसे करोगे, क्योंकि अगर वो नया प्रोडक्ट है, यूज ही नहीं हो रहा, तो आपको पहले उसको प्रॉपरली मार्केट करना पड़ता है. उसकी नीड क्या है, उसकी यूटिलिटी क्या है, कैसे वो आपको फैसिलिटेट करेगा, कंज्यूमर की यूटिलिटी क्या है उसमें, वो आपको मार्केटिंग के थ्रू पहले एस्टैब्लिश करनी पड़ती है. उसके बाद ही आप नए प्रोजेक्ट्स में, नए प्रोडक्ट्स में जा पाते हो. टू प्रेडिक्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सेप्टिंग द इन्वेस्टमेंट एंड मेकिंग इकोनॉमिक एनालिसिस, यानी प्रॉफिट लॉस जो होता है, मॉनिटरी जो पार्ट होगा, मेकिंग इकोनॉमिक एनालिसिस टू डिटरमाइन द प्रॉफिट पोटेंशियल ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, कि कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना हर साल आपका प्रॉफिट होगा, आरओआई क्या होगा, ये सब भी आपको वायबिलिटी में, फाइनेंशियल वायबिलिटी में आपको ये देखना होगा. बेसिक फीचर ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन आर, नंबर वन, करंट फंड्स आर एक्सचेंज फॉर फ्यूचर बेनिफिट्स. पैसे आज दे रहे हो, लेकिन कमाई के रूप में आपको मल्टीपल ईयर्स में फ्यूचर में मिलेगा. आज आप दे रहे हो, फ्यूचर में आपको मिलेगा. ठीक है, देयर इज इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज. ठीक है, एक ऐसी एक्टिविटी या एक ऐसे एसेट में आप पैसा लगा रहे हो जो एक्टिविटी सालों तक चलते रहेगी, जिसकी लाइफ मोर देन वन ईयर है. फ्यूचर बेनिफिट्स विल ऑकर टू द फर्म ओवर अ सीरीज ऑफ ईयर्स. सेम, तीन बड़े फीचर्स क्या हैं, कि करंट फंड्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स आर एक्सचेंज फॉर फ्यूचर बेनिफिट्स या फ्यूचर इनफ्लोस, और फिर लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज में आप पैसा लगा रहे हो और इसका जो बेनिफिट है वो लॉन्ग टर्म तक, सीरीज ऑफ ईयर्स तक आपको इसका पैसा या प्रॉफिट आते रहेगा. ठीक है, तो ये था प्लानिंग, क्या था, प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर. आगे बढ़ते हैं, अब ए नीड ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कहां कहां पैसा लगाते हैं, क्या नीड है. एसेट्स तो हैं, हम पढ़ चुके हैं, और भी क्या क्या है जो ऊपर लिस्ट आई भी थी, सेम रिपीट हो रही है. नीड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, फॉलोइंग फैक्टर गिव राइज टू द नीड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स. पहला है वेयर एंड टेयर ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट,
ओल्ड इक्विपमेंट यूज कर करके खराब होते जाते हैं, टेक्नोलॉजिकली पुराने होते जाते हैं, तो उसके वजह से भी उनको रिप्लेस करना पड़ता है, ऑब्सोलेसेंस बरबा टेक्नोलॉजी की वजह से। जैसे जैसे नया टेक्नोलॉजी आते जाता है, पुराना टेक्नोलॉजी बंद होते जाता है, यूज होना कम होते जाता है, क्योंकि जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत फायदे होते हैं, नए फीचर्स होते हैं, उससे कॉस्ट भी कम होती है, एफिशिएंसी बढ़ती है, कम टाइम में ज़्यादा बना सकते हो, क्वालिटेटिवली भी आप बेटर प्रोडक्ट्स बना सकते हो। तो इसीलिए ऑब्सोलेसेंस की वजह से पुरानी चीज़ें अपने आप लोग यूज़ करना बंद कर देते हैं। मोबाइल का एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे ही आईफोन का नया वर्जन आया पुराने वाले छलांग मारते, 11 आया 10 वाले बेच के 11 लेते हैं, भूखे लोग हैं, बेसिकली भूखे लोग हैं, एक भी नया फीचर आया पैसे हैं ले लो। तो हर फील्ड में ये मतलब होती है, अर्ज होती है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आप मैन्युफैक्चरिंग में आप इंजीनियर हो, तो आप कंटिन्यूसली आपका ध्यान वहीं चलता है कि मैं अभी ये मशीन यूज़ कर रहा हूँ, इसके ये फीचर्स हैं, फिर जैसे ही वो अपग्रेडेड मशीन आ जाती है फिर आप प्रपोजल डालते हो कि नहीं यार ये अपग्रेड करो, फिर मैं आपको बेटर फीचर्स वाले प्रोडक्ट्स ला के दे सकता हूँ, कम टाइम में ज़्यादा प्रोड्यूस करके दे सकता हूँ। तो ये हर ऑर्गेनाइजेशन में एक भूख होती है कि नए फीचर्स अगर आ गए हैं उससे क्या बेनिफिट हो सकता है, तो हम डेफिनेटली रिप्लेस करते हैं बिकॉज ऑफ ऑब्सोलेसेंस। फिर है वेरिएशन इन प्रोडक्ट डिमांड नेसेसिटेटिंग चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। अब ये करंट इसको मतलब पॉजिटिवली देख सकते हो, नेगेटिवली भी देख सकते हो, कि अगर बूम है, ज़्यादा डिमांड है, तो आप क्या करोगे, कम क्वांटिटी या कम कैपेसिटी वाली मशीन बेच के हायर कैपेसिटी या वॉल्यूम वाली मशीन आप लोगे, तो आप अपग्रेड कर रहे हो, बड़ा क्वांटिटी का मशीन ले रहे हो। और उल्टा भी होता है, जैसे अब रिसेशन का दौर आ गया है, आप देख ही रहे हो, न्यूज़ में भी आता है, लोग ले ऑफ्स कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को निकाल रहे हैं, प्रोडक्शन 15-15 दिन तक बंद कर रहे हैं, कर्टेल कर रहे हैं, तो ये उसमें भी वैलिड है। क्या आप बड़ी मशीन यूज़ करते थे क्योंकि आपका डिमांड ज़्यादा था, पर अब आपको दिख रहा है कि 1-2 साल 3 साल तक स्लो डाउन है और उसमें रिकवर होना बहुत टाइम लगेगा, तो आप बड़ी मशीन बेच के छोटी मशीन भी लेते हो, डाउनग्रेड भी कर सकते हो, कि बड़ी मशीन के बड़े प्रॉब्लम्स, बड़े मेंटेनेंस, हायर कॉस्ट, स्पेस ज़्यादा लेती है, इंश्योरेंस का वैल्यू ज़्यादा है, प्रीमियम ज़्यादा आता है, हर तरह से बड़े मशीन का बड़ा कॉस्ट ही होता है, ठीक है। तो ये वेरिएशन बोथ साइड हो सकता है, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से भी हो सकता है, कम होने की वजह से भी मशीन्स वगैरह चेंज हो सकते हैं, अपग्रेड भी हो सकता है, डाउनग्रेड भी हो सकता है। फिर है प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट रिक्वायरिंग कैपिटल एडिशंस। बराबर, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट आप कर रहे हो, इंप्रूवमेंट का एक लिए होता है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी या क्वालिटी, तो इसके वजह से आप अपग्रेड कर सकते हो। फिर है लर्निंग कर्व इफेक्ट। बराबर, लर्निंग कर्व इफेक्ट का भी बहुत बड़ा फायदा है, कि अगर एम्प्लॉयज बहुत जल्दी लर्न कर रहे हैं तो उससे भी मशीन कौन सी यूज़ होनी चाहिए वो भी डिसाइड होता है। अगर लर्निंग कर्व इफेक्ट अच्छा है, एफिशिएंसी एम्प्लॉय में ही है, तो फिर मशीन की उतनी नीड नहीं रहती, फिर आप लेबर पे रिलाई करते हो, क्योंकि वो लर्न कर रहे हैं, एक ही चीज़ को यूज़ करते करते उनकी एफिशिएंसी बढ़ रही है, अपग्रेड क्यों कर रहे हैं, एफिशिएंसी के लिए। तो अगर एम्प्लॉय से आपको एफिशिएंसी मिल रही है तो भी मशीन के डिसीजन उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। फिर है एक्सपांशन। बराबर, ये तो नॉर्मल है, आप एक्सपांड करते हो तो आपको नए एसेट्स लगेंगे, क्वांटिटेटिवली भी ज़्यादा लगेंगे, क्वालिटेटिवली भी आप अच्छे इक्विपमेंट्स आप यूज़ करोगे एक्सपांशन में। फिर है चेंज ऑफ प्लांट साइट। प्लांट साइट बदल रहे हो तो काफ़ी एसेट्स बेचने पड़ते हैं, फिर नए एसेट लेने पड़ते हैं, क्योंकि हर एसेट को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। विद इन सेम सिटी है तो आप प्लान कर भी सकते हो, पर विद इन वन सिटी टू अनदर है, वन स्टेट टू अनदर है, तो फिर आप इतने सारे एसेट्स ट्रांसफर नहीं करते हो, आप पुराने वहीं के वहीं बेच देते हो और नए एसेट नए लोकेशन पे लेके इंस्टॉल कर देते हो, ठीक है। फिर है डाइवर्सिफिकेशन। सेम एक्सपांशन ही होता है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है आप अलग अलग फील्ड में जा रहे हो। एक्सपांशन सेम फील्ड में भी होता है, सेम प्रोडक्ट में भी होता है, सेम लोकेशन भी होता है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन इज ऑल अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू लोकेशंस, ठीक है। फिर है प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट। सेम एफिशिएंसी आप बढ़ा रहे हो, प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हो, कम टाइम में ज़्यादा बना रहे हो, या सेम टाइम में आप मोर क्वालिटेटिवली मोर हायर क्वालिटी प्रोडक्ट आप बना रहे हो विथ लेस डिफेक्टिव्स या लेस जो भी डिफेक्ट्स होते हैं वो। तो ये सारे नीड्स हैं जिसके वजह से आपको कैपिटल बजटिंग करनी पड़ेगी या पैसा फिक्स एसेट्स में पैसा लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ दीज फैक्टर्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, नाम से ही आपको सब समझ में आ जाएगा, पर कुछ चीज़ें अलग हैं जो मैंने आपको जगह जगह पे बताया। हाउएवर वी एड अ फ्यू एक्सप्लेनेटरी लाइंस ऑन अ फ्यू ऑफ दीज फैक्टर्स। पहला है ऑब्सोलेसेंस, जो मैं आपको बता चुका हूँ, ऑकर्स व्हेन ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ इक्विपमेंट फॉर परफॉर्मिंग अ फंक्शन बिकम्स अवेलेबल, ठीक है। और ऑल्टरनेट मेथड्स, अच्छे आसान
क्वालिटेटिवली बेटर तरीके अगर आपको मिलते हैं सेम चीज़ करने के कम टाइम में कम पैसे में, तो भी आप मतलब अपडेट करते हो, ऑब्सोलेसेंस उसी को कहते हैं। फॉर परफॉर्मिंग अ फंक्शन बिकम्स अवेलेबल विच आर सिग्निफिकेंटली बेटर ईदर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी और न्यूनेस ऑफ द प्रोडक्ट और द प्लांट सेफ्टी। ठीक है, ये होता है ऑब्सोलेसेंस, कि और सेफ प्रोडक्ट हैं और अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आप बना सकते हो कोई इक्विपमेंट से, तो आप वो इक्विपमेंट या मशीन खरीदते हो। इन अ हाई कंजम्पशन इकोनॉमी लाइक यूएसए दिस प्रॉब्लम इज एक्यूट। वहाँ पे अपग्रेडेशन ऑब्सोलेसेंस से बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि नए नए एसेट डेवलप होते रहते हैं। इन एन इकोनॉमी लाइक इंडिया प्रॉब्लम ऑब्सोलेसेंस इज स्टिल रेयर, क्योंकि सब लेबर ओरिएंटेड ही है, मशीन ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी अभी भी काफ़ी सेक्टर्स में कम ही है। बहुत ही फ्यू सेक्टर्स हैं जिसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इंडिया में इम्पैक्ट पड़ता है, मेजॉरिटी सेक्टर्स अभी भी एम्प्लॉई या लेबर डोमिनेटेड है। ओनली इन सर्टेन इन्वेस्टमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स लाइक गार्मेंट्स जूट गुड्स कॉटन टेक्सटाइल दिस प्रॉब्लम एग्जिस्ट, यहाँ पे ऑब्सोलेसेंस होता है। प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट्स रिक्वायर चेंजेस इन इक्विपमेंट्स एंड दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो नॉट एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन इन्फ्लुएंसिंग द कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन इंडिया, क्योंकि यहाँ ऑब्सोलेसेंस कम होता है टेक्नोलॉजी से, मतलब हर महीने नए एसेट आते हों ऐसा बहुत रेयर होता है, साल दो साल तीन साल में मशीन्स वगैरह की टेक्नोलॉजी बदलती है। मोबाइल वोबाइल छोड़ दो, वो तो अलग है, बट वैसे भी मोबाइल में भी देख लो सब तो बाहर के मोबाइल है, सब बाहर के ही मोबाइल है, मैन्युफैक्चरिंग ऑलमोस्ट सब बाहर है। बाहर वाले अभी इंडिया में आके प्लांट खोल रहे हैं वो अलग बात है, बट मेनली मैन्युफैक्चरिंग अभी भी बाहर वाले ही कर रहे हैं, इंडिया में बहुत कम मैन्युफैक्चरिंग ओरिजिनेट होती है, टेक्नोलॉजी ओरिजिनेट होती है, कुछ सेक्टर्स में होती है डेफिनेटली, पर काफ़ी सेक्टर में अभी भी अपन काफ़ी पीछे हैं। एक्सपेक्टिंग चेंजेस स्पेशल प्रोडक्ट क्वालिटीज लाइक रेडियो ट्रांजिस्टर टेलीविजन, जो मैंने आपको बताया ये कंज्यूमर गुड्स में होता है अपग्रेडेशन काफ़ी। लर्निंग कर्व कंसिडरेशन इन्फ्लुएंसेस कैपिटल डिसीजन इन द सेंस दैट न्यू इक्विपमेंट्स माइट बी सच एज टू कट डाउन द लर्निंग टाइम एंड इफेक्ट कंसिडरेबल सेविंग ऑन ट्रेनिंग एक्सपेंसेस। बराबर, कुछ ईजी टू यूज इक्विपमेंट आ गए, कुछ ईजी टू यूज इक्विपमेंट आ गए तो क्या होगा, जल्दी आप सीख सकते हो। उल्टा भी होता है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड मशीन ले लिए क्योंकि क्वालिटी अच्छी है पर कॉम्प्लिकेटेड है, लोगों को सीखने में टाइम लग रहा है, तो वो एज अ डिसएडवांटेज भी होता है। एडवांटेज भी ले सकते हो, सिंप्लीफाइड मशीन्स हैं, इजी टू यूज मशीन है, कंप्यूटर्स वगैरह भी जैसे होता है ना, इजी टू यूज लैपटॉप आ गया, सब इजी हो रहा है, तो आप वो और अपग्रेड करते हो ताकि आपके एम्प्लॉयज फटाफट जल्दी भी सीख लेंगे और आपको ज्यादा ट्रेनिंग भी नहीं देनी पड़ेगी। पर ये उल्टा भी होता है, अगर वो इंस्ट्रूमेंट कॉम्प्लिकेटेड निकला तो ट्रेनिंग का खर्चा बढ़ भी जाता है। ठीक है, फॉर रीजन सच एज एक्सपांशन न्यू सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल न्यू मार्केट्स लेबर कंडीशन ट्रांसपोर्टेशन टर्मिनेशन ऑफ लीज एंटायर प्लांट मे हैव टू बी रीलोकेटेड। बराबर, तो ये बहुत सारे देखो प्रैक्टिकल रीजंस दिए कि कब कब आपको चीजें बदलनी पड़ती है, जो मोर ऑर लेस ऊपर सेम दिया हुआ है। फिर है जो मैंने शिफ्टिंग का भी एक एग्जाम्पल दिया था, द कॉस्ट ऑफ रिमूविंग अ प्लांट इज एनॉमरस। जो फिक्सचर्स होते हैं, जो मशीन फिक्स कर दी जाती है, इंस्टॉल कर दी जाती है, मूव नहीं हो सकती क्योंकि वो इंस्टॉल हो चुकी है, उसको अब निकालोगे तो फिर उसके क्वालिटी और उसमें बहुत सारे खर्चे भी आ जाते हैं, इजीली वो मूवेबल नहीं है। ठीक है, तो उसका रिमूविंग का भी खर्चा बहुत ज्यादा है और उसको ट्रांसमिट और ट्रांसपोर्ट करना भी बहुत महंगा काम है। तो ऐसे एसेट्स में क्या होता है, उसी वक्त उसी वहीं बेचा जाता है उस लोकेशन पे और नए लोकेशन पे नया एसेट लिया जाता है। द कॉस्ट ऑफ रिमूविंग अ प्लांट इज एनॉर्मस एंड मैनेजमेंट मे डिसाइड टू अंडरटेक मॉडर्नाइजेशन थ्रू अ कंप्लीट न्यू लेआउट एंड इक्विपमेंट परचेसेस। ठीक है, ये बहुत कॉमन सी बात है, इंटर स्टेट भी जब ट्रांसफर्स होते हैं, आप प्लांट को रीलोकेट कर रहे हो बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो ये होता है। मेनी प्रोग्रेसिव कंपनीज सीक आउट न्यू मार्केट्स एंड न्यू प्रोडक्ट्स, जिसको डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, न्यू मार्केट्स न्यू प्रोडक्ट्स यानी डाइवर्सिफिकेशन। दे मे इवन लाइक टू एक्वायर अनदर कंपनी, बराबर टेक ओवर कर सकते हैं वो, यानी ग्रोथ के दो तरीके होते हैं, ऑर्गेनिक यानी खुद आप ब्रांच खोलते हो, खुद एसेट खरीदते हो, लेबर रखते हो, और एक होता है इनऑर्गेनिक, मतलब बनी बनाई कंपनी है डायरेक्ट उसको एक्वायर कर लो, जीरो से आप स्टार्ट मत करो, ऑलरेडी जो रनिंग कंपनी है उसका कंट्रोल ले लो और उसको रन करते रहो, वो होता है इनऑर्गेनिक ग्रोथ, उसी को मर्जर एक्विजिशन अमालगमेशन टेक ओवर अलग अलग लॉज में आप पढ़ते हो, तो वो भी एक इनऑर्गेनिक ग्रोथ है। तो अनदर कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, ऑल दिस रिक्वायर मेजर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। इन सम इंडस्ट्रीज वेज एस्केलेशन मे फोर्स मैनेजमेंट टू एक्वायर लेबर सेविंग इक्विपमेंट। देखो ये भी दिया है कि अगर लेबर बहुत महंगा है, कोई सेक्टर में लेबर के बहुत रेट ज़्यादा हैं, उनके बहुत नाटक ज़्यादा हैं, उनके डिमांड ज़्यादा हैं, तो आप लेबर ओरिएंटेड से मशीन ओरिएंटेड में शिफ्ट होने के लिए फोर्स हो जाते हो, क्योंकि आप सोचते हो यार इतने लॉज हैं, एक तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत लॉज है जो कि अच्छा है,
बट काफ़ी लोग लेबर यूनियन का गलत फ़ायदा भी लेते हैं, ठीक है, और बहुत फ्रीक्वेंटली प्रोडक्शन रोक देते हैं, तो वो काफ़ी सेक्टर में मिसयूज़ भी होता है। तो ऐसे सेक्टर में आप सोच सकते हो कि लेबर को रिप्लेस करें मशीन से, ठीक है, एक्वायर लेबर सेविंग इक्विपमेंट मशीनरी टू इफेक्ट द सेविंग्स ऑन वेजेस एंड एट द सेम टाइम इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी। मशीन से आप प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये नीड है, बहुत सारा कॉमन है, दो चार वर्ड्स थोड़े अलग हैं जो माइट भी आपने पहली बार सुने होंगे, लर्निंग कर्व पहली बार सुना होगा, ऑब्सोलेसेंस सुना होगा, बाकी तो देखो नॉर्मल है, एक्सपांशन डाइवर्सिफिकेशन चेंज ऑफ प्लांट लोकेशन प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी वेरिएशन, ये सब बहुत ही कॉमन नीड्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव, कि मैनेजमेंट के एंगल से इन्वेस्टमेंट डिसीजंस यानी कैपिटल बजटिंग क्या है। कि देखो कैपिटल बजटिंग कौन करता है, मैनेजमेंट, डिसीजन तो मैनेजमेंट को ही लेना है, सारा एनालिसिस इवैल्यूएशन कंपैरिजन सब किसको करना है, मैनेजमेंट को। तो मैनेजमेंट के एंगल से या मैनेजमेंट का क्या रोल है इसमें, ये अपन पढ़ेंगे। यूजुअली इन इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम्स मच अटेंशन इज फोकस्ड ऑन हाउ टू चूज अमंग द ऑल्टरनेट प्रोजेक्ट्स, मतलब डिसीजन मेकिंग सबसे क्रूशल होता है जो मैनेजमेंट ही करता है, कि कैसे दो या तीन ऑप्शंस में से एक डिसाइड करे, ठीक है। सो दैट वन इज टेम्प्टेड टू बिलीव दैट दिस कंस्टिट्यूट्स द ओनली प्रॉब्लम इन कैपिटल डिसीजंस, बराबर। सबसे मेन है ऑल्टरनेटिव में से कैसे चूज करना, चॉइस मेकिंग, ये सबसे बड़ा इसमें प्रॉब्लम है। हाउएवर इफ वी एग्जामिन केयरफुल इट इज ईजी टू रियलाइज दैट चॉइस अमंग ऑल्टरनेटिव इज ओनली वन फेसेट एल्बिट द इंपॉर्टेंट फेसेट, भले ही एल्बर्ट मतलब भले ही वो इंपॉर्टेंट है पर वो एक ही प्रॉब्लम है ऐसा नहीं है, अरे और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, आपको लगेगा कि सिर्फ एक ही है पर ऐसा नहीं है, यस वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा बट ऐसा नहीं कि एक ही है, ठीक है, कि वन फेसेट है भले ही वो इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव द अदर फेसेट्स आर इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल, सिर्फ सिलेक्ट कर लिया हो गया, ऐसा थोड़ी होता है, उसको रियलिटी में लाना, उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना कंट्रोल करना, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा प्रोजेक्ट है पर अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो भी यूजलेस ही होता है, तो भी आपका वैल्यू कम ही हो जाएगा, बरोबर। तो प्रॉपर सिलेक्शन प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन एंड कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग यानी कि कंट्रोल, ये तीनों स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। यस अगर सिलेक्शन ही गलत हो गया तो कितना भी अच्छा इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल कर लो कोई फायदा नहीं है, डायरेक्शन तो आपका सिलेक्शन ही डिसाइड करता है, बट सिर्फ सिलेक्शन से भी नहीं होता, that has to be properly implemented and monitored, ठीक है, as applied to all phases of capital investment and these are important aspect because in the ultimate analysis the top management is accountable for the board of directors and owners for the success or failure of the implementation investment plans, बराबर। तो तीनों step important है, most important selection ही है, choice making ही है, but there are two more facets of decision making, वो है implementation and control। Let us examine in brief how investment decisions are influenced by management perspective. Management का जो सोच है, उनका जो outlook है कि क्या work करता है क्या नहीं करता है, industry का future क्या है, कि उनका past experience है, वो एक 25 साल से काम कर रहे हैं 20 साल से काम कर रहे हैं, उनका एक point of view होता है, उनका एक outlook होता है कि ये industry कहाँ जा रही है, इसका कहाँ तक पहुँचने का ये है, क्या तरीका होगा, क्या direction होगा, technology कितना role play करेगी, इन सब में उनका एक perspective होता है, उनका कितना फर्क पड़ता है यही हमको पढ़ना है। Obviously, we have to start with the company's objective, which provides for the broad guidelines to policies, plans and operation. भले individual management में कितने भी strong perspectives हों, direction कौन तय करता है कि company के objective क्या है, company का vision, mission क्या है, वो ground main है जो plan, policies and operation decide करेगा। A possible objective might be to maximize the return. क्या पढ़ चुके हैं? Maximize return on investment, in which case the management might seeks to minimize the investment by selecting only a few capital projects that yield the highest return, बराबर। तो ज़्यादा projects तो ज़्यादा amount, फिर return की भी requirement बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आपको amount पे भी ध्यान देना है, project ही बड़ा है अरे तो return की expectation भी उतनी बढ़ जाएगी, छोटा project है तो return की expectation भी छोटी होगी, तो आपको investment और return को मतलब side by side लेना है, ROI देखना है, ठीक है, sales individually नहीं देखना है, profit individually नहीं देखना है, आपको ROI देखना है कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कितना आप कमा रहे हो। ओनली सॉरी ऑन द अदर हैंड द ऑब्जेक्टिव मे बी टू मैक्सिमाइज सेल्स वॉल्यूम, ठीक है, वही बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव अलग अलग होते हैं, एक हो सकता है मैक्सिमाइज रिटर्न यानी प्रॉफिट, एक हो सकता है मैक्सिमाइज सेल्स वॉल्यूम, जितना ज्यादा बेच सको उतना ज्यादा बेचो क्योंकि उनकी फिक्स कॉस्ट ज्यादा होती है, ऐसे भी बिजनेस होते हैं
जहां पे फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा है, रनिंग कॉस्ट कुछ भी नहीं है, तो उसमें जितना बेच पाओ, जितनी सेलिंग हो, जितना फिक्स कॉस्ट जल्दी रिकवर हो जाए उतना अच्छा होता है। तो अलग अलग बिजनेस मॉडल के अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, मे बी टू मैक्सिमाइज सेल्स वॉल्यूम एंड इन दैट केस ऑल कैपिटल इन्वेस्टमेंट दैट यील्ड अ नेट प्रॉफिट वुड बी मेड विदाउट अनड्यू कंसर्न। ठीक है, तो अगर आपको सेल बढ़ाना है तो बस प्रॉफिट है, भले कम भी रहा तो भी चलता। यानी दो अलग अलग चीजें हैं, एक है मैक्सिमाइज रिटर्न, तो आप क्या करोगे, हर प्रोजेक्ट ऐसा लोगे जिसमें रिटर्न मैक्सिमम हो, जिसमें हाईएस्ट रिटर्न हो, वही वाले प्रोजेक्ट्स आप लोगे। और अगर आपको सेल्स सिर्फ बढ़ाना है तो जिसमें भी प्रॉफिट है, भले कम हो ज्यादा हो, प्रॉफिट है, पॉजिटिव है, तो आप सारे प्रोजेक्ट्स लेते जाओ, क्योंकि आपको सेल बढ़ाना है, सेल ऐड होते जाएगी। बस अगर कोई प्रोजेक्ट में लॉस है वो नहीं लोगे आप, प्रॉफिट है, प्रॉफिट होना जरूरी है कितना भी हो, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना आपका ऑब्जेक्टिव है ही नहीं, आपका सेल्स मैक्सिमाइज करना ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो वो दिया गया है, एंड इन दैट केस ऑल द कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स दैट यील्ड नेट प्रॉफिट मे बी स्मॉल, क्योंकि रिटर्न मैक्सिमाइज करना ही नहीं है, वुड बी मेड विदाउट अनड्यू कंसर्न, तो आप सेल्स आपकी मल्टीप्लाई होते जाएगी। इफ द मैनेजमेंट इज गाइडेड बाय ग्रोथ ऑब्जेक्टिव, ठीक है, तीन अलग अलग पॉइंट्स हैं, मैक्सिमाइज रिटर्न, मैक्सिमाइज सेल्स एंड मैक्सिमाइज ग्रोथ, तो आप कैसे डिसीजन लोगे। एक्सपांशनरी इन्वेस्टमेंट्स इन्वॉल्विंग हाई कैपिटल कॉस्ट वुड बी अंडरटेकन, तो आपको ग्रोथ करना है, एसेट साइज बढ़ाना है, तो वहां पे आप बड़े प्रोजेक्ट्स लोगे, बिग प्रोजेक्ट्स जिसमें ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स हैं जो ग्रोथ को सपोर्ट करे। ठीक है, तो ऐसे तीन अलग अलग देखो पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, पहला है मैक्सिमाइज रिटर्न, सेकेंड है मैक्सिमाइज सेल्स वॉल्यूम एंड थर्ड इज ग्रोथ। तो तीनों में आपका जो डायमेंशन है, आपका जो सोचने का तरीका है, आपका जो फोकस एरिया है वो अलग अलग होगा। तो यही क्या बताता है, ये यही बताता है कि एक डायरेक्शन में नहीं सोचना है हर बार, बस जिसका ज्यादा प्रॉफिट है वही लेना है, ऐसा नहीं होता। आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, आप हासिल क्या करना चाहते हो, उसके ऊपर होता है। तो काफी बार लो प्रॉफिट प्रोजेक्ट्स भी लिए जा सकते हैं, हैवी कैपिटल कॉस्ट वाला भी लिया जा सकता है जिसमें इनिशियल ईयर्स में लो प्रॉफिट होता है पर लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट अच्छा होता है। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, मैनेजमेंट का उस वक्त क्या ऑब्जेक्टिव है, उसके हिसाब से डिसीजन लिए जाते हैं। विद इन द बोर्ड कंपनीज ब्रॉड सॉरी इसको विद इन द ब्रॉड कंपनीज ऑब्जेक्टिव टॉप मैनेजमेंट ऑल्सो रिव्यूज द कॉम्पिटेटिव पोजिशन। बराबर, कॉम्पिटेटिव पोजिशन कितनी है, कैसी है, आप कॉम्पिटिशन में कहां हो, एक तो कॉम्पिटिशन है नहीं है, कम है ज्यादा है, उसमें फिर आपका क्या कॉम्पिटिशन में क्या रोल है, कितना सिचुएशन है, वो आपको देखना है ऑफ द कंपनी। एंड इफ द कॉम्पिटिशन इज शार्पर, शार्पर यानी बहुत खतरनाक कॉम्पिटिशन है, हर वक्त आपको कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहा है देखना होता है और उसको रेप्लीकेट करना होता है, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे। तो काफी इंडस्ट्रीज में बहुत शार्प कॉम्पिटिशन होता है, इमीडिएट रिएक्शन मिलेगा, एक ने लाया सारे लोग मक्खियों की तरह उसके पीछे भागेंगे, तो ये होता ही है जब कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, सारे कस्टमर्स सेम है आपके, सेम कस्टमर्स को सब लोग चेस कर रहे हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा शार्प कंपटीशन होती है, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं, प्रोडक्ट ही अलग है तो सेम कस्टमर नहीं है, कस्टमर अलग अलग होते हैं, उनकी नीड के हिसाब से वो होता है, पर सेम प्रोडक्ट जो लोग बेच रहे हैं जिनका सेम यूटिलिटी है उनके तो सारे कस्टमर सेम होते हैं, तो फिर वहां पे बहुत शार्प कॉम्पिटिशन होती है। द मैनेजमेंट लुक्स कंटिन्यूअसली टू इवेल्युएट एंड अपग्रेड द इक्विपमेंट टू अचीव ग्रेटर एफिशिएंसी एट द लीस्ट कॉस्ट। तो जहां कॉम्पिटिशन ज्यादा है वहां ग्रोथ कॉम्पिटिशन मतलब इन्वेस्टमेंट बहुत फ्रीक्वेंटली होती है एज कंपेयर टू वहां जहां पे कॉम्पिटिशन न हो या कम हो। तो मोर कॉम्पिटिशन मोर कैपिटल बजेटिंग डिसीजन यू हैव टू टेक। इन बिग कंपनीज मैनेजमेंट सेट आउट पॉलिसी टू गाइड लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, आपको पता ही है हायर लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, अलग अलग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, तो टॉप लेवल पॉलिसीज एंड प्लान डिसाइड करती है और लोअर लेवल उसको इंप्लीमेंट करती है। द मैनेजमेंट सेट्स आउट पॉलिसी टू गाइड द लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट द सर्च फॉर इवैल्यूएशन ऑफ एंड इनिशिएशन ऑफ द कैपिटल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो वो मेनली क्या करता है, गाइड करते हैं। टॉप मैनेजमेंट क्या करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं और उसको फॉलो करके मिडिल और लोअर मैनेजमेंट को सारे डिसीजन लेने होते हैं। टॉप मैनेजमेंट हैज ऑल्सो टू कीप वॉच ऑन द कंपनीज फंड्स विच फिनांस द इन्वेस्टमेंट। पैसे कहां से आ रहे हैं, क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे आ रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। इट कैनॉट अलाउ फंड्स टू रिमेन आइडल, टू लाई आइडल, खाली पैसा नहीं रख सकते, अपन पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं उस पर। जस्ट बिकॉज सुटेबल प्रोजेक्ट इज नॉट इन हैंड, तो अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट नहीं है, तो आप फिनेंसिंग करके पैसा खाली रख रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपका कॉस्ट लग रहा है। तो भले कम प्रॉफिट वाला है तो भी काफी बार ऐसे प्रोजेक्ट्स करते रहने पड़ते हैं ताकि
इंटरेस्ट का कॉस्ट एटलीस्ट रिकवर हो जाए. द कॉस्ट ऑफ आइडल फंड्स इज सब्सटैंशियल एंड हेंस द नीड फॉर लुकिंग आउट फॉर सूटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मतलब होती है. इफ सच अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट देन मैनेजमेंट मस्ट स्पेयर फंड्स एंड इफ एग्जिस्टिंग फंड्स आर इनएडिक्वेट इट शुड रेज फंड्स एक्सटर्नली. ठीक है, रिटेन अर्निंग्स कम है, रिटेन अर्निंग्स है तो उसी से आप फाइनेंस कर लो, पर रिटेन अर्निंग्स थोड़े से कम पड़ रहे हैं तो आप एक्सटर्नल फाइनेंसिंग लेके भी प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, लेकिन फंड्स को आइडल नहीं रखना है. ठीक है, तो काफी बार प्रोजेक्ट करने का रीजन क्या है कि पैसा खाली नहीं रखना है, इस वजह से भी आपको प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे. इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट इफ देयर इज नो प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी विद इन द कंपनी द डिविडेंड पॉलिसी शुड बी लिबरल. बहुत ही अच्छा पॉइंट आया है जो दो अलग अलग चैप्टर्स को कनेक्ट कर रहा है. ध्यान दो, डिविडेंड में जब हमने पढ़ा तब क्या पढ़ा कि डिविडेंड का पॉलिसी इन्फ्लुएंस होता है कि कितने प्रोजेक्ट्स आपके पास हैं. तो अगर आपके पास अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसमें क्या अपन ने पढ़ा था कि आपको डिविडेंड बांटना ही नहीं चाहिए और पूरा पैसा प्रोजेक्ट में लगा देना चाहिए. वही यहां पर लिखा है. देखो क्या लिखा है, इट शुड बी रिमेंबर दैट इफ देयर इज नो प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट. उल्टा दिया है इसमें कि अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है तो फिर पैसा रिटेन करके करोगे क्या, अचार डालोगे क्या? उससे अच्छा तो डिविडेंड बांट दो ताकि इन्वेस्टर्स अपना वैल्यू मैक्सिमाइज कर लें. उनके पास तो इंडिविजुअली प्रोजेक्ट्स होंगे या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगे ही ना. आप रिटेन करोगे, आपके पास प्रोजेक्ट्स नहीं, खाली रख रहे हो, जीरो रेट ऑफ रिटर्न है आपका. उससे बेटर तो आप डिविडेंड दे दो, कुछ तो कमाएंगे वो, भले सेविंग अकाउंट में रखेंगे 4% to 6% कमाएंगे, कुछ तो कमाएंगे. अरे ख्याल में, तो ये सेकंड उल्टा दिया हुआ है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं है तो बेटर है आप डिविडेंड बांट दो ताकि वो लोग इन्वेस्ट करें और इंडिविजुअली इंडिविजुअल लेवल पे कमाएं. तो शुड बी लिबरल, लिबरल मतलब रिलैक्स्ड, यानी मोर डिविडेंड या फुल डिविडेंड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड. तो काफी अच्छा पॉइंट है. आगे बढ़ते हैं. फंड्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट मस्ट बी अरेंज ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस. ऑब्वियस ही बात है, मैचिंग कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं, एसेट्स लॉन्ग टर्म है तो सोर्स भी लॉन्ग टर्म होना चाहिए. अदरवाइज बोरिंग शॉर्ट एंड इन्वेस्टिंग लॉन्ग कैन लीड टू लैक ऑफ लिक्विडिटी. ये ब्लंडर अपन ने पढ़ाई था, एक ही मिसमैनेजमेंट ही हो सकता है, तो ये बहुत अच्छे से दिया है. अदरवाइज बोरोइंग शॉर्ट एंड इन्वेस्टिंग लॉन्ग कैन लीड टू लैक ऑफ लिक्विडिटी एंड कॉन्सिक्वेंट ट्रबल्स. लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी में आपको बड़ा दिक्कत होगा कि शॉर्ट टर्म लिया है तो शॉर्ट टर्म रीपे कैसे करोगे, कि पैसा तो लॉन्ग टर्म में लगा है, वापस तो लॉन्ग टर्म में आएगा, अचानक से शॉर्ट टर्म में कैसे रीपे करोगे. सॉल्वेंसी लिक्विडिटी पे बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है. द मेजर सोर्सेस सब पढ़ चुके अपन, ये रिपीट होगा. मेजर सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स आर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, न्यू इक्विटी कैपिटल, रिटेन अर्निंग्स. ठीक है, सब पढ़ चुके अपन. समटाइम्स अ चेंज इन द इन्वेंट्री सिस्टम ऑल्सो रिलीजेस फंड. तो अगर आपका इन्वेंट्री होल्डिंग पॉलिसी चेंज हुआ, पहले आप 60 डेज का इन्वेंट्री रखते थे, अब आप 30 डेज का रख रहे हो, तो जो रिडक्शन हुआ 30 डेज का, उतना इन्वेस्टमेंट आपका रिलीज हो जाएगा क्योंकि आपने बहुत बड़ा शिफ्ट किया. दो चार दिन का चेंज है तो अलग बात है, इतना बड़ा फंड नहीं आता, पर 60 से डायरेक्ट 30 हाफ कर दिया तो आधा पैसा जो आपका पहले ब्लॉक्ड रहता था अब वो रिलीज हो जाएगा, जो आप फिक्स एसेट के लिए भी यूज कर सकते हो. ठीक है, तो वो दिया है. इन्वेंट्री सिस्टम ऑल्सो रिलीजेस फंड्स बाय इफेक्टिंग रिडक्शन इन द इन्वेंट्री टू बी कैरीड. ठीक है, 60 डेज से 30 डेज आप रिड्यूस कर रहे हो, तो 30 डेज का जो इन्वेस्टमेंट है इन्वेंट्री में वो आपका रिलीज हो जाएगा और वो भी एक सोर्स फॉर लॉन्ग टर्म आप यूज कर सकते हो. सिलेक्शन ऑफ राइट सोर्स ऑफ फंड्स इज अगेन इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनेजमेंट्स ओन बिलीफ कि कितना बाहर का पैसा लेना है, बाहर का पैसा लेना है नहीं लेना है, रिटेन अर्निंग कितना यूज करना है, नया इशू तो नहीं लाना है. ये सब कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के बिलीफ भी इसमें काम करते हैं, क्योंकि इक्विटी में इक्विटी इशू करते हो तो डायल्यूशन भी होता है, तो डायल्यूशन हुआ बोले तो मैनेजमेंट का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू काम का है. अगर उनको डायल्यूशन करना ही नहीं है तो वो तो डेट यूज करेंगे, प्रेफरेंस यूज करेंगे जिसमें वोटिंग पावर नहीं होता. एंड वैल्यू जजमेंट एंड सच अदर फैक्टर्स लाइक आउटसाइड कंट्रोल, सबसे मेन देखो डाइल्यूशन ऑफ इक्विटी, प्राइस अर्निंग रेशो, कॉस्ट ऑफ फंड्स एक्सेट्रा. तो अलग अलग ये पॉइंट्स हैं, सोर्सेस हैं, मतलब जो इन्फ्लुएंस करेंगे कि आप क्या डेट इक्विटी रेशो यूज करोगे, कितना बाहर का पैसा, कितना खुद का पैसा आप यूज करोगे. एंड फाइनली द टॉप मैनेजमेंट इज यूजली कंसर्न विद द इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल. सिलेक्शन तो चलो हो जाएगा क्योंकि इसमें टूल्स एंड टेक्निक्स होती हैं, प्रॉब्लम यह है कि मैनेजमेंट इंप्लीमेंटेशन कैसे देखेगा, उनके पास इतना टाइम थोड़ी रहता है. इंप्लीमेंटेशन तो लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट करेगा, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि मैनेजमेंट कैसे इंश्योर करे कि प्रॉपर इंप्लीमेंट हो, प्रॉपर मॉनिटरिंग और कंट्रोल हो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिसी डिसीजन है. एस्पेक्ट्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स, स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आर टू बी असाइन. तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करनी पड़ेगी.
टू बी असाइन टू द स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स और सेल्स, अलग से डिपार्टमेंट्स भी बनाने पड़ सकते हैं, एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हैव टू बी केयरफुली स्टडीड। रिपोर्टिंग सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा जिससे आप कंट्रोल करो, मंथली रिपोर्ट्स, वीकली रिपोर्ट्स, अलग अलग रिपोर्टिंग सिस्टम आप रखोगे। मैनेजमेंट वीकली अगर रिपोर्ट्स भी देखता रहा तो उसको पता चलेगा कि कैसा इंप्लीमेंटेशन चल रहा है। इन बिग प्रोजेक्ट्स इंप्रूव्ड मेथड्स लाइक प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक दैट इज पर्ट और CPM यानी क्रिटिकल पार्ट मेथड में भी यूज। ये दोनों इम्प्लीमेंटेशन के टूल्स हैं कि एक प्रोजेक्ट को मिनिमम कितना टाइम लगेगा और बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटीज मैक्सिमम टाइम कितना लग सकता है, ये आप इन टेक्निक से स्टडी करते हो। क्योंकि हर स्टेप में क्या अनसर्टेनिटी है वो देखा जाता है। अप्रूवल नहीं मिला, रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो गया, लेबर का शॉर्टेज हो गया, कुछ नेचुरल कैलमिटी हो गई, हर स्टेप को डिवाइड किया जाता है क्रिटिकल पाथ मेथड, यानी क्या क्रिटिकल है, क्या क्या चैलेंजेस आपको प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन में फेस करने पड़ सकते हैं और हर स्टेप में कितना डिले हो सकता है, ये इसमें स्टडी किया जाता है। और फिर उसमें उसको मतलब पाथ बदलना जा सकता है कि ये नहीं हो रहा तो चलो ये नहीं हो रहा तो ये, आपको बस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ते जाना है, कहीं भी स्टक नहीं रहना है। जैसे फ्लाईओवर्स बनते हैं आप देखते हो ना, हमारे सिटी में भी अमरावती में एक फ्लाईओवर बन रहा है 4 साल से। तो ये बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, 5 साल 10 साल जो खाते हैं, इसमें इतने स्टेप्स होते हैं, कोई ना कोई एक स्टेप पे आप अटक जाते हो। अब वो गवर्नमेंट है, करप्शन होता है तो इसलिए वो कुछ होता नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में खासकर यूज होता है। हर स्टेप का ऑल्टरनेटिव क्रिएट किया जाता है कि अगर यहां अटका तो क्या, वहां अटका तो क्या, शॉर्टेस्ट रूट फिर जो होता है वो हम यूज करते हैं, उसी को क्रिटिकल पाथ मेथड बोलते हैं। तो एक स्टेप दूसरे स्टेप पे भी होती है, कुछ सीक्वेंस भी होता है, पहले ये बाद में ये सब स्टडी इसमें किया जाता है कि कौन से स्टेप पहले कौन से स्टेप बाद में, कितने ऑल्टरनेटिव्स हैं, उसमें क्वालिटी पे तो फर्क नहीं पड़ता, बहुत सारे ऐसे इवेल्युएशन इसमें होते हैं। ठीक है, ये बहुत स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं, देखेंगे अपन। तो ये था मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव का कितना इन्फ्लुएंस है। ठीक है, ये पार्ट में इतना ही है, नेक्स्ट पार्ट अपन यहाँ से आगे बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग। ये सब बैकग्राउंड था, अब थोड़ा सा मेन पार्ट चालू होगा।